पिपरिया में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के कारण शहर से सटे कई गांवों का संपर्क टूट गया। सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो नदी नाले उफान पर है, जिस कारण पुल पुलियाओं से यातायात बंद हो गया। शहर की मछवासा नदी देर रात से उफान पर चल रही है, जिस कारण गांधीवाड़ के निचले हिस्सों के कई घरों में पानी भर गया। गांधीवाड़ में रेलवे पुल के पास हरिजन बस्ती को जोड़ने वाला पुल भी पूरी तरह से डूब गया है। वहीं नव निर्माणाधीन कीर मोहल्ले के पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है। यहां अप्रोच रोड बह गई है, जिस कारण दोनों ही हिस्सों से संपर्क कट गया है। हालांकि लोग रेलवे पुल के पास से हरिजन बस्ती तक पहुंच पा रहे हैं। इधर रायखेड़ी मार्ग के पुल पर से भी मछवासा नदी ओवर फ्लो चल रही है, जिससे रायखेड़ी लांजी सहित आसपास के कई गांवों का संपर्क कट गया है। यहां इतवारा बाजार जाने वाले मार्ग पर भी नाले का पानी ओवर फ्लो हो रहा है। पचमढ़ी रोड पर बिजनवाड़ा बनवारी रोड के आसपास भी कॉलोनियों में पानी भर गया है। बनवारी रोड गुरुद्वारे के पास खेत का पानी कॉलोनियों में आ रहा है। यहां व्यवस्थित पानी की निकासी न होने के कारण देर रात से कई घरों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण यहां लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नई गल्ला मंडी टोला में भी नाले का पानी ओवर फ्लो होने के कारण यहां आसपास के घरों में पानी घुस गया है। यहां भी आवागमन बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण शहर के आने वाले कई गांवों के मार्ग बंद हो गए हैं। हतवास में बनखेड़ी हाईवे पर बनी पुलिया बीच में से धसक गई है। प्रशासन द्वारा रोड पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण दूध सब्जी सहित अन्य जरूरी वस्तुएं शहर में बिकने के लिए नहीं आई। इससे भी शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।